हे एवरीवन, हम एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे वीवो के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो के तरफ से वीवो Y72T 5G के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों, ये जो डिवाइस है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस के साथ आया है। तो आपको जो इसमें स्पेसिफिकेशन कुछ एडवांटेज भी देखने को मिलेंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा। ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च कब होगा, किस प्राइस के साथ लॉन्च होगा, आप बस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो गाइस, मेरा नाम है सूरज दास और आप सभी का स्वागत है टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करेंगे हम डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो आपको इसमें प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि प्लास्टिक के बैग के साथ आएगा। फ्रंट की ओर आप जब ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है वो तो डिसेंट रहने वाला है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब हम डिवाइस के डिज़ाइन की बात करें तो आपको डिवाइस के रियर के टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दो कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी और नीचे की ओर आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो डिवाइस है इसको ग्लोबली तीन कलर के साथ लॉन्च किया गया है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर। और आप इस डिवाइस में देख सकते हैं कि फ़ोन देखने में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, डेफिनेटली ये जो फ़ोन है गुड लुकिंग होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। तो आपको इसमें 6.58 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 60 हर्ट्ज़ के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। चाहे आप इस डिवाइस में गेमिंग की बात करो या कंटेंट वॉचिंग की बात करो, दोनों आपको डिसेंट देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस डिवाइस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें 90 हर्ट्ज़ का हाईर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता है, बल्कि 60 हर्ट्ज़ का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसी के साथ आप हम डिवाइस के परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देते, आपको इसमें मिलेगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर की फेब्रिकेशन पर बना हुआ एक पावरफुल 5G प्रोसेसर है। जब आप इस प्रोसेसर पर गेमिंग करोगे तो आप हेवी गेम्स को मीडियम सेटिंग्स पर स्मूथनेस के साथ खेल पाओगे और ये डिवाइस आपको गेमिंग अच्छी करवा देगा, डिसेंट करवा देगा। इसी के साथ इस डिवाइस को ग्लोबली दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है जो कि 8GB रैम में 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB रैम में 256GB स्टोरेज के साथ। इस डिवाइस में आपको UFS 2.2 का रीड राइट स्पीड देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आपके फोन को यह फास्ट बनाएगा। लेकिन आपको डिस्प्ले मिलेगा LPDDR4X रैम टाइप। इसी के साथ आपको डिस्प्ले मिलेगा एंड्रॉइड 11 जो कि फ्रंट टच ओएस के साथ आएगा और ग्लोबली ये ओरिजिन ओएस के साथ गया था। जब इंडिया में आएगा तो आपको डिस्प्ले मिलेगा फ्रंट टच ओएस और आपको इस डिवाइस में फ्रंट टच ओएस का एक्सपीरियंस यानी कि वीवो का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अब हम इसके कैमरा की बात करें तो आपको डिवाइस में डुअल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और 2 MP का एक घटिया सा सेंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप 50 MP के कैमरे से अच्छी फोटोज को क्लिक कर पाओगे। और फ्रंट में आपको 8 MP का वाटर ड्रॉप नॉच वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अच्छी फोटो को क्लिक कर पाओगे। वीवो का फोन होने के कारण कैमरा आपको बढ़िया देखने को मिलेगा और आप अपने रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही फुल एचडी प्लस वीडियो 30 FPS से कैप्चर कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिलता है, हालांकि ये और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था। अब हम इसका मल्टीमीडिया की ओर ध्यान देते हैं, आपको इसमें मिलेगा सिंगल स्पीकर, जहाँ पे आपको स्पीकर का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा और आपको इससे भी बड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा 3.5 mm का हेडफोन जैक का, जो आपको इस में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ अब हम इसके फीचर्स की ओर ध्यान देते, आपको इसमें मिलेगा फेस अनलॉक जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। इसी के साथ जब हम सेंसर्स की ओर ध्यान देते, आपको इसमें मिलेगा एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास, हाँ इस डिवाइस में आपको जायरो का सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसी के साथ हम डिवाइस की बैटरी की बात करें तो आपको 6000 mAh की सुपर मैसिव बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक दिन से ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा और चार्ज खत्म हो जाता है 18 वोल्ट का सुपर डुपर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीवो में यही गलत है कि आपको चार्जर भी बढ़िया देखने को नहीं मिलता। इस डिवाइस में मुझे करीब 5 डिसएडवांटेज दिखे। सबसे पहले कि आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इसमें डिवाइस में एमोलेड का नहीं पैनल मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज़ के साथ मिलना चाहिए, और आईपीएस का डिस्प्ले तो कम से कम 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश देखने को मिलना चाहिए, जो कि आपको सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिलता है। फोर्थ है कि आपको इसमें जायरो सेंसर नहीं देखने को मिलता है। और फिफ्थ है कि आपको इसमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो फास्ट चार्जर का नाम से भी किसी भी डिवाइस में उनको देखने को मिल जा रहा है। इसी के साथ हम इसके प्राइस की बात करें तो ग्लोबली इस डिवाइस को 15,000 का अराउंड लॉन्च किया गया है और जब ये डिवाइस इंडिया में आएगा तो 12,000 का अराउंड मिले तभी बेटर हो सकता है, क्योंकि 15,000 के हिसाब से मुझे ये डिवाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या 15,000 के अराउंड में वीवो का आपको ये फ़ोन पसंद आया या फिर आप किसी दूसरे फ़ोन की ओर देखोगे। अब हम डिवाइस के इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो इसका इंडिया लॉन्च डेट को लेकर वीवो ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं किया है, लेकिन लीक्स की ओर ध्यान दे तो ये जो डिवाइस हम लोग को एंड ऑफ सितंबर में इंडिया में लॉन्च होते दिख सकता है। तो बस गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो क्यों अच्छी ना लगी, ताकि हम इस पर ध्यान दें और नेक्स्ट हमको और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव कॉन्टेंट देने का कोशिश कर सकें।